अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे आई हूँ एक क्विक रेसिपी के साथ। तो मैं रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये रेसिपी है मिक्स्ड वेजिटेबल साग। जी हाँ, ये साग जाता है पूरी के साथ, और या फिर आप पराठे या रोटी के साथ भी ले सकते हो। और ये है हैदराबाद की स्पेशल डिश जो नाश्ते में बनती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स और पोटैटो जो है वो मैंने डाल लिए, और साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा उसको अच्छा सा फ्राई किया। और इसके बाद इसमें डाला है हल्दी, नमक, मिर्ची, गार्लिक जिंजर पेस्ट और धनिया पाउडर। आप ये अपने हिसाब से डालें। और इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ग्राइंड करके। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं आप, और बस साग रेडी है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है पूरी के लिए आटा। और पूरी के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पूरी के लिए मैंने लिया है 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर, तो 1 कप व्हीट आटा, यानी जो हमारा नॉर्मल रोटी का आटा होता है वो मैंने लिया है। और इसमें से मैंने थोड़ी सी अजवाइन जो होती है वो मैंने डाली है, और नमक, और बस मैंने इसको अच्छे से गूंध लिया। और आपको इसको ज़्यादा नरम नहीं बनाना है आटा, थोड़ा सा हार्ड रखना है। और आप जब बेलते हो ना, तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करें। आप इसमें ना जो डस्टिंग जो होता है ना, डस्टिंग फ्लावर, वो मत लगाएं, क्योंकि आपका ऑयल काला हो जाता है उसकी वजह से। तो आप क्या करें, आप जब भी पूरी जो बेलते हो ना, तो ये जो ऑयल है ये ऑयल में डिप करके पूरी बेलें। तो ये ट्रिक है एक, आप ज़रूर इसमें आजमाएं। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, और हैदराबाद में स्पेशली ये नाश्ते में ज़रूर जाती है। और आप ये जो पूरी है, पूरी में आप अजवाइन ज़रूर डाल के एक बार ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनती है। आप यकीन माने, आप बस हमेशा फिर अजवाइन ही डालना शुरू करोगे पूरी में। और वहाँ पे देख रहे हो आप, मेरा साग भी ज़बरदस्त बन रहा है और बहुत डिलीशियस टेस्टी लग रहा है। और इसके साथ देखिए, ये पूरी भी बहुत अच्छी फ्लफ़ी, जो कहते हैं ना उस टाइप की फ्लफ़ी पूरी हुई है। यमी सी फ्लफ़ी और फुली फुली पूरी आप एंजॉय करें नाश्ते में, गरम गरम गरम, और सबको बहुत पसंद आएगी। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे 2 कप्स ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है। तो वन कप मैंने जो नॉर्मल हमारा रोटी का आटा होता है वो मैंने लिया है। इससे क्या होता है कि ना, आपको रोटी जो पूरी है वो पूरी बनाने में भी आसानी होती है, और पूरी थोड़ी और टेस्टी लगती है, क्योंकि उसमें गेहूं का भी आटा आ जाता है और ऑल पर्पज़ फ्लावर भी आ जाता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट के ज़रिए कि आपकी पूरी ये कैसी बनी। और साग तो बिल्कुल सिंपल है, आप अपने ही जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स, आप जैसा नमक मिर्ची जैसा डालते हो, आप उस हिसाब से अपने ही उससे डालें आप। और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी रेसिपी है, डिलीशियस टेस्टी। आप इसको नाश्ते में बनाएं, या फिर नॉर्मल लंच या डिनर में भी बना सकते हो। और मैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। तो मैं ये ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि ये बहुत ऑयली हो जाता है जब हम पूरी बनाते हैं। तो ये तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, तो मैं वंस इन अ वाइल ही बनाती हूँ। तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक कोई रेसिपी के साथ, या फिर ब्लॉग में। आप जब तक के लिए ये देखते रहें और मेरा चैनल देखते रहें, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और एंजॉय करिए यहाँ पे डिलीशियस यमी टेस्टी पूरी, और इसके साथ साग और साथ में चटनी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको चटनी भी रखनी है, तो आप चटनी भी रखें। चटनी ज़रूर जाती है, चटनी भी नॉर्मल है, ये तो बस कोकोनट की है, और ये चटनी तो सबको बनानी आती है। तो चलिए, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय द लाइफ। टेक केयर, बाय।